डीएनए में अब हम जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की अकाल मृत्यु का डीएनए टेस्ट करेंगे। शास्त्री जी की मौत अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई थी, जिनके जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इसलिए हमें लगता है कि उनकी मौत के इस पहलू के बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए आज काफी तकलीफ हो रही है कि हमारे देश में अगर एक अभिनेता की रहस्यमय हालात में मृत्यु हो जाती है तो पूरा देश इसकी चर्चा करने लगता है, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ने लगती है। लेकिन जो सही मायनों में हमारे देश की मिट्टी के लाल थे, उनकी पुण्यतिथि पर कोई उनका जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझता। कोई भी आपको यह नहीं बताता कि आखिर किन परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था और क्यों उनकी मृत्यु का सच आज तक देश के सामने नहीं आ पाया है। शास्त्री जी सिर्फ 19 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार और भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया था और ताकत के जोर पर पाकिस्तान का कश्मीर को हथियाने का सपना चूर चूर हो गया था। 1965 के युद्ध के बाद रूस के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था और उसी दिन यानी समझौते के तुरंत बाद शास्त्री जी की रहस्यमय मौत हो गई थी। ये मौत कैसे हुई, इसके बारे में अब तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत का एक विश्लेषण कर रहे हैं। ये डीएनए टेस्ट आपको कई नई जानकारियां देगा, कई ऐसी जानकारियां देगा जो आपको आज हैरान कर देंगी। लेकिन इस विश्लेषण से पहले एक और बात का जिक्र करना जरूरी है, और वो है ये कि जिस लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उस देश का जवान आज किन परिस्थितियों में जी रहा है। कल ही हमने विश्लेषण के दौरान आपको बीएसएफ के एक जवान की आप बीती सुनाई थी, जिसमें उसने कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्हें जो भोजन मिलता है उसमें भ्रष्टाचार की मिलावट है, और इस भ्रष्टाचार की चुभन को सहते हुए भी हमारे देश का सैनिक सीमा की रखवाली उतनी ही ईमानदारी और जज्बे के साथ आज भी कर रहा है। और ठीक इसी तरह आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में किसानों की स्थिति में भी कोई खास सुधार नहीं आया है। हमारे पास आए दिन किसानों की बदहाल जिंदगी की तस्वीरें आती रहती हैं, उनकी आत्महत्या की तस्वीरें आती रहती हैं। शास्त्री जी ने जिस किसान की जय जयकार की थी, वो किसान आज अपनी जिंदगी में पराजय झेल रहा है। हालात ये हैं कि एक किसान के लिए उसके हिस्से का सम्मान और अधिकार पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। देश के हर कोने से किसानों की बदहाल जिंदगी और आत्महत्या करने की खबरें हमारे पास आती रहती हैं, आप भी देखते रहते होंगे और पढ़ते रहते होंगे। अगर आज लाल बहादुर शास्त्री जिंदा होते तो अपने जय जवान जय किसान वाले नारे को दम तोड़ते हुए देखकर बहुत दुखी होते। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के साथ साथ देश आज उनके दिए हुए इस नारे को भी भूल चुका है। किसी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री की किसी दूसरे देश में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप इसे कूटनीति की दुनिया में आया हुआ एक भूकंप भी कह सकते हैं। जरा सोचिए कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत उस दौर की कितनी बड़ी खबर रही होगी। लेकिन उस वक्त मीडिया की ताकत ऐसी नहीं थी जैसी आज है। उस वक्त ना तो 24 घंटे के न्यूज चैनल हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का जन्म हुआ था, और इसीलिए ये मामला और ये खबर दब गई। और हम अभी भी शास्त्री जी की मौत की सही वजह को नहीं जान पाए, लेकिन हमें लगता है कि आज के दिन उनकी मौत से जुड़े हुए इतिहास के पन्ने पलटना बहुत जरूरी है। लाल बहादुर शास्त्री скоропостижно скончался в Ташкенте. Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें।
कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन पर हमेशा रहस्य का कफन लिपटा होता है। ऐसी ही एक मौत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की थी, जिनकी मौत पर पड़ा रहस्य का पर्दा आज तक हट नहीं पाया। वर्ष 1966 की 10 और 11 जनवरी के बीच की रात, जगह रूस का ताशकंद, वक्त भारतीय समय के मुताबिक रात के 2 बजे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने होटल के कमरे में अचानक दम तोड़ दिया। दिन में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रात में होटल के कमरे में अचानक शास्त्री जी की मौत ने कई सवाल उठा दिए। उस वक्त कहा गया कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किए जाने से तमाम तरह के सवाल हवा में तैर रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ताशकंद में ही मौजूद उनके प्रेस सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है। ताशकंद से लौटने के बाद शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने मुझसे पूछा कि शास्त्री का शरीर नीला क्यों पड़ गया था। मैंने कहा कि मुझे बताया गया था कि अगर शरीर पर लेप किया जाता है तो वो नीला पड़ जाता है। इसके बाद उन्होंने शास्त्री के शरीर पर कुछ चीरों के निशानों के बारे में पूछा। मैंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उनका शरीर ही नहीं देखा था। फिर भी उनकी इस टिप्पणी ने मुझे चौंका दिया था कि ताशकंद या दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। 1965 के युद्ध के बाद ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को अपने फौलादी इरादों से करारा जवाब देने वाले शास्त्री जी का कद और ताकत दोनों बढ़ चुकी थी। उनके कद और नेतृत्व क्षमता की हंसी उड़ाने वाले ये देख रहे थे कि शास्त्री जी को देश के नए हीरो की तरह देखा जाने लगा है। उनका नारा जय जवान जय किसान खूब लोकप्रिय हो चुका था। के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 23 सितंबर को युद्ध विराम का ऐलान हो गया था, लेकिन अभी भी सीमा पर तनाव बना हुआ था। हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है, और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए रूस आगे आया, और ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए बुलाया गया। पाकिस्तान समझौते में कश्मीर पर जोर डालना चाहता था, लेकिन शास्त्री टस से मस नहीं हुए। हालांकि एक बात जो शास्त्री को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी वो ये थी कि समझौते के मुताबिक भारतीय सेना को महत्वपूर्ण हाजीपीर और टिथवाल के उन इलाकों से हटना पड़ेगा जिन्हें भारत ने युद्ध में जीता था। यानी युद्ध में भारत को जो बढ़त मिली थी वो कायम नहीं रहती। शास्त्री जी इसी बात से परेशान थे कि इस पर देश में क्या प्रतिक्रिया होगी। ताशकंद में बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी, लेकिन आखिरकार 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए। इनमें कहा गया कि 25 फरवरी तक दोनों देशों की सेनाएं 5 अगस्त के पहले की स्थिति में लौट जाएंगी। इसमें कश्मीर की कोई चर्चा नहीं की गई। पाकिस्तान के लिए यह बुरी स्थिति थी, क्योंकि वहां पर लोग अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो से सवाल पूछ रहे थे कि लड़ाई में हजारों जाने गंवाने के बाद भी पाकिस्तान को क्या मिला। इस समझौते के बाद ताशकंद में
एक पार्टी रखी गई। पार्टी में शामिल होने के बाद रात को करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आ गए। अगले दिन सुबह 7 बजे शास्त्री जी का विमान काबुल के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन शास्त्री जी के लिए वो सुबह कभी नहीं आई। पार्टी में थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से शास्त्री जी को भूख नहीं थी, इसलिए उन्होंने पालक के साग और मनपसंद आलू की सब्जी के साथ हल्का भोजन किया। रात को 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन मिलाकर अपनी बेटी कुसुम से बात की। शास्त्री जी ने कुसुम से पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया कि बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता के बारे में पूछा तो कुसुम ने कहा कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने कुसुम से कहा कि फोन ललिता को दें, लेकिन वो बार बार कहने पर भी फोन पर नहीं आई। इसके बाद शास्त्री जी ने घर वालों से कहा कि वो भारतीय अखबार काबुल भिजवा दें, जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। इन घटनाओं से लगता है कि ताशकंद समझौते की संभावित प्रतिक्रियाओं को लेकर शास्त्री जी थोड़ा परेशान थे। वो होटल के अपने कमरे में ही इधर उधर टहलने लगे। शास्त्री जी को 1964 में माइनर हार्ट अटैक हो चुका था, इसलिए शायद ये बात उनके लिए काफी खतरनाक थी। शास्त्री जी के निजी सेवक रामनाथ ने उन्हें दूध दिया, जो वो अक्सर सोने से पहले लेते थे। इसके बाद फिर शास्त्री जी टहलने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। रामनाथ ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे थर्मस से ही उन्हें थोड़ा पानी निकाल कर दे दिया। आधी रात से कुछ पहले शास्त्री जी ने रामनाथ को अपने कमरे में जाकर सोने को कहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काबुल जाने के लिए उनका विमान तैयार था। रात को करीब 1:20 पर शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन शास्त्री जी दुनिया से चले गए थे। उस वक्त ताशकंद में रात के 1:30 बज रहे थे और भारत में समय था रात के 2 बजे। शास्त्री जी के निधन की खबर पूरे ताशकंद में फैल गई। कुछ दिन पहले जो लोग उनका स्वागत कर रहे थे, वही आज उनके लिए आंसू बहा रहे थे। छोटे कद के इस बड़े नेता को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ लोग खड़े थे। समय गुजरने के साथ ही ये संदेह भी गहरा होता गया कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। क्या वाकई उन्हें दिल का दौरा पड़ा था या फिर उन्हें जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और शरीर पर कुछ चीरा लगने के भी निशान थे। शास्त्री जी की मौत के कुछ वर्षों के बाद लोकसभा के एक सांसद ने आरोप लगाया था कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। शास्त्री जी की मौत को लेकर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि भारत सरकार इससे जुड़े कागजात दिखाने से हमेशा इनकार करती रही है। आपने स्कूलों की किताबों में ये जरूर पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब ये वाक्य सिर्फ किताबों में ही दफन होकर रह गया है, क्योंकि कृषि और किसानों की हालत अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि जो किसानों के नायक रहे हैं उन्हें भी भुला दिया गया है, और जो देश के जवानों के नायक रहे हैं उन्हें भी लोग भूल चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री शायद देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सही मायनों में आम आदमी थे। उनकी वेशभूषा से लेकर उनकी बातचीत का अंदाज सब कुछ आम आदमी जैसा ही था। उनका पूरा लाइफस्टाइल आम आदमी जैसा था। शायद यही वजह है कि आज के दिन कोई भी उनकी बात नहीं करता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा देश के आम नागरिक थे। और यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि आज ना तो राजनीति की दुनिया में ट्रेंड कर रही है और ना ही सोशल मीडिया में। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि किसकी पुण्यतिथि और किसका जन्मदिन जोर शोर से मनाया जाएगा, ये देश की सत्ता को चलाने वालों की राजनीतिक सुविधा पर निर्भर करता है। आपने गांधी नेहरू परिवार से जुड़े प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन और पुण्यतिथियों के आयोजनों को जरूर देखा होगा। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जयंती और पुण्यतिथि को काफी महत्व दिया जाता है। नेहरू गांधी परिवार से जो लोग प्रधानमंत्री बने हैं उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के मौके पर देश के हर छोटे बड़े अखबार को विज्ञापनों से भर दिया जाता है और देश के हर कोने में समारोह किए जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन देश के बाकी प्रधानमंत्री जैसे चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और इंद्र कुमार गुजराल की जयंती या पुण्यतिथि पर कोई बड़ा आयोजन देखने को नहीं मिलता। यह इस देश में दशकों से चली आ रही राजनीति का दोहरा रवैया है। और अंत में हम यही कहेंगे कि जो देश किसानों और जवानों की इज्जत नहीं कर सकता,
वो कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। और यही वजह है कि जब हम इस तरह का वाक्य देखते या पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम ऐसे वाक्यों को सिर्फ स्कूलों की किताबों में ही देख पाते हैं। और जय जवान जय किसान का नारा भी अब हमें बिल्कुल किताबों में ही नजर आता है, ये भी एक किताबी नारा बनकर रह गया है। इसके बारे में आज आप सोचिएगा जरूर।